सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, विभाग द्वारा कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थियों एवं संबंधित अध्यापकों के लिए विद्यालयों को टैब वितरित किए जा रहे हैं। इन टैब्स का एक्सेप्टेंस और स्टूडेंट एवं टीचर को एलोकेशन भी किया जाना है विद्यालय द्वारा, जो कि अवसर पोर्टल के माध्यम से होगा। ये कैसे होगा, इसे हम इन ट्यूटोरियल्स के माध्यम से स्टेप वाइज समझेंगे। और इस ट्यूटोरियल में हम स्टेप 1 और 2 पर चर्चा करने वाले हैं। पहला स्टेप है लॉगिंग इन का। तो लॉगिन करने के लिए अवसर पोर्टल पर आपको राइट साइड में जो येलो कलर में लिंक दिख रहा है, https://reports.avsarhry.in/login.aspx, आप इसको गूगल पर लिखें और सर्च करें, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, जो कि विभाग द्वारा ऑलरेडी आपको दिए जा चुके हैं, उनको भरें और लॉगिन कर दें। लॉगिन करने के बाद स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 डिलीवरी कंफर्मेशन पर हम आते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे एक नया जो टैब मैनेजमेंट सिस्टम का आपको आइकन दिखेगा। इसमें अलग अलग सब आइकन भी हैं। तो पहला आइकन जो है वो टैब एक्सेप्टेंस का है, आप इसे क्लिक करें और आगे बढ़ें। जैसे ही आप क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, जिसमें डिवाइसेस लिखा हुआ है। पहला कॉलम है टीचर या स्टूडेंट का। तो ड्रॉप डाउन में जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको दोनों ऑप्शन दिखेंगे, टीचर या स्टूडेंट। तो आप पहले स्टूडेंट को एलोकेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिस्ट में स्टूडेंट को क्लिक कर दें, उसके बाद आगे बढ़ें। दूसरे सेक्शन में आप देखिएगा कि बॉक्स हैं, तो आप यहाँ बॉक्स वाइज भी कर सकते हैं या फिर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इसके बाद डिवाइस स्टेटस जो है उसमें भी आप ऑल को क्लिक करके आगे बढ़ें और सर्च का बटन दबा दें, जैसा कि आपने डिवाइस फॉर स्टूडेंट, बॉक्स फॉर ऑल, डिवाइस स्टेटस ऑल करके सर्च दबा दिया। तो यहाँ पर आपको सभी जो स्टूडेंट, IMEI नंबर, स्टेटस पेंडिंग और एक्शन क्या है, वो वाला सेक्शन आपको साफ साफ दिख रहा है सर्च का बटन दबाने के बाद। अगर आप किसी एक ही पर्टिकुलर IMEI नंबर को देखना चाहते हैं तो यहाँ जो आप रेड लाइन के अंदर आपको बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर आप वो IMEI नंबर यहाँ पर डालें और सर्च कर दें। सिर्फ आपको वही जो बॉक्स है उसका डिटेल आपके सामने आ जाएगा और आप उसके ऊपर एक्शन एक्सेप्ट या डिक्लाइन का जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने किसी का भी जो है एक्सेप्टेंस नहीं किया है अभी तक, तो फिर आप यहां पर ना डालें इसे, आप सभी डिवाइसेस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये प्रो टिप आपको दी गई है कि ये IMEI नंबर जो है, ये कोड जो है, ये आपको कहाँ मिलेगा। तो ये जो टैब का बॉक्स है उसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आपको रेड लाइन के अंदर भी दिख रहा है और लेफ्ट साइड में भी नीचे की तरफ जहाँ भी लिखा हुआ है वहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ से इसको नोट करके आप टैब एक्सेप्टेंस के कॉलम में इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा स्टेप 2 के अंदर क्या हमें कार्रवाई करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब हमने सर्च किया तो हमारे सामने ये सारे के सारा जो स्टेटस कंप्लीट आ गया है। अब हमें एक्सेप्ट या डिक्लाइन में से जो है जो एक्टिविटी हमें करनी है हम वो यहाँ पर करेंगे। तो अगर हम एक्सेप्ट का बटन दबाते हैं तो उसके बाद हमारे सामने ये reports.avsarhry.in says कि आर यू श्योर टू एक्सेप्ट दिस डिवाइस, तो आपको ओके का बटन दबाना होगा। जैसे ही आप ओके का बटन दबाते हैं तो इस तरीके से एक्सेप्टेंस सक्सेसफुल का आपको मैसेज मिलेगा और इस तरीके से ये वाला एक्सेप्टेंस बिल्कुल ग्रीन कलर में आपको दिखेगा। इसमें रिसेट का एक्शन में अब रिसेट आ गया है, तो आप इसको रिसेट भी कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 के अंतर्गत ही। अगर आपको डिवाइस को डिक्लाइन करना है तो आपको यहाँ पर रीज़न मेंशन करना पड़ेगा कि जैसे टैबलेट नॉट फाउंड, नॉट रिसीव्ड, लाइक दिस, जो भी उसका जेन्युइन कारण है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और सबमिट का बटन क्लिक करने के बाद दोबारा से जैसे आपको एक्सेप्टेंस में मैसेज आया था तो अब यहाँ फिर मैसेज आएगा आर यू श्योर टू डिक्लाइन दिस डिवाइस, तो आपको ओके का बटन क्लिक करना होगा और रिजेक्शन जो है वो आपका
सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरीके से रेड कलर जो है आपका रिजेक्शन दिखेगा, लेकिन इसमें भी आप देखें एक्शन के साथ रिसेट का बटन आ गया है। बाई मिस्टेक आपसे ऐसा हो गया है या तो आप इसको जो है दोबारा से एक्सेप्टेंस में लेना चाहते हैं, तो आप इसको रिसेट के बटन के माध्यम से कर सकते हैं। इस तरीके से स्टेप टू में रिपीट दिस स्टेप्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन टीचर बॉक्सेस, तो इस तरीके से आप टैब्स का एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। और आपको हम बता दें कि जब तक आप टैब का एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, आप इनको टीचर या स्टूडेंट के लिए एलोकेशन का काम भी नहीं कर पाएंगे।